सेवा में शिक्षा विभाग के बाबुओं का बेहद ही हैरान कर देने वाला कारनामा उजागर हुआ है। यहां बाबुओं ने अतिशेष शिक्षकों की सूची तैयार करने में व्यापक स्तर पर न सिर्फ मनमानी की बल्कि सूची से कुछ शिक्षकों को बचाने के लिए जो मनगढ़ंत कारण गढ़े हैं वह हैरान कर देने वाले हैं। बता दें कि बाबुओं द्वारा तैयार की गई अतिशेष शिक्षकों की सूची से बचाने कुछ शिक्षकों की किडनी ट्रांसप्लांट करा दी गई तो किसी को अपाहिज बता दिया गया। हद तो तब हो गई जब एक ही स्कूल के एक या दो नहीं बल्कि 11 शिक्षकों को ब्रेन ट्यूमर का मरीज बता दिया। सर ये कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है, ये कोई आंतरिक गड़बड़ी होगी। और जितने शिक्षक हैं सभी लोगों ने अपने लिख करके भी दे दिया है। फिलहाल यह मामला प्रकाश में आने के बाद अतिशेष शिक्षकों की सूची में विसंगतियों पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों की मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अतिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में 28 अगस्त को विशेष काउंसलिंग भी आयोजित की जाएगी। हालांकि अतिशेष शिक्षकों की सूची तैयार करने में व्यापक स्तर पर मनमानी के मामले सामने आए हैं, जिससे अब इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीओ कार्यालय के बाबुओं द्वारा अतिशेष शिक्षकों की सूची से कुछ शिक्षकों को बचाने के लिए विभिन्न कारण गढ़े गए। नियमानुसार गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को अतिशेष की सूची में शामिल नहीं किया जाता और उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित भी नहीं किया जाता, लेकिन शहर के ही नजदीक बदराव हायर सेकेंडरी स्कूल के 11 शिक्षकों को ब्रेन ट्यूमर का मरीज बताकर अतिशेष सूची से बाहर रखा गया है। इसके अलावा कुछ शिक्षकों को किडनी ट्रांसप्लांट और कुछ को अपंगता का आधार बताकर सूची से बचा लिया गया। फिलहाल अभी सभी शिक्षकों के नाम पोर्टल एजुकेशन पर नहीं दिख रहे हैं, वहीं अब केवल वे ही काउंसलिंग में शामिल होंगे जो पोर्टल पर अतिशेष की सूची में दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक उच्च शिक्षक पद का प्रभार ले चुके हैं, उन्हें भी उनके पूर्व के विद्यालय में अतिशेष के रूप में दर्शाया गया है। इधर अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए तैयार की गई सूची में बाबुओं और शिक्षकों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर पाई गई त्रुटियों के बाद कलेक्टर ने इसे संज्ञान में लिया और डीओ को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बताया गया कि पोर्टल पर प्रदर्शित सूची में जिन शिक्षकों के नाम के सामने गंभीर बीमारी का उल्लेख है उनकी जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाएगी। सर ये कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है, ये कोई आंतरिक गड़बड़ी होगी। और जितने शिक्षक हैं सभी लोगों ने अपने लिख करके भी दे दिया है कि वो कोई ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है। एक जन उमेश पुड़िया जी हैं, उनका है गंभीर बीमारी, तो उनकी सर्विस बुक में वैसे भी रिकॉर्ड है, दर्ज है, तो बाकी शिक्षकों ने अपना लिख करके दे भी दिया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं दिया है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगी जिसकी वजह से ऐसा होगा। नहीं, शिक्षकों ने दिया होता तो अब तो लिख के दे रहे हैं कि ऐसा मैंने कभी दिया भी नहीं, और वो पुनः लिख के दे रहे हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट ही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों ने लिख दिया। जी मेरा नाम दीप्ति शुक्ला है।